हेलो राधे राधे, आप सब कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। घर और किचन के बहुत से ऐसे मुश्किल काम होते हैं जिन्हें हम सोचते हैं आसान तरीके से कर पाएंगे, लेकिन जब इन्हीं कामों को करने बैठते हैं तो इन कामों को करने में हमारा काफ़ी समय और पैसा दोनों लग जाता है। लेकिन आज मैं आप लोगों के लिए ऐसी यूज़फुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जिसका इस्तेमाल करने से आप अपने समय और पैसे दोनों की बचत कर सकती हैं। इसमें एक रुपया भी खर्च नहीं होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरी पहली टिप है यहाँ पर आटे को लेकर के। आटे का इस्तेमाल तो हम लोग रोज़ ही अपने किचन में रोटी बनाने या पराठा पूड़ी बनाने में करते हैं, लेकिन गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि जब भी हम लोग नॉर्मल पानी से आटे को सानते हैं तो आटे में हल्का सा कालापन या आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी जिससे आपका आटा लंबे समय तक बिल्कुल टाइट रहेगा। अगर आप उसकी रोटियाँ बनाएंगी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेंगी। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ले लेना है पानी और उसमें आपको थोड़ी सी आइस डाल देनी है ताकि पानी आपको ठंडा कर लेना है। तो यहाँ पे आपको ठंडा पानी नहीं, इस तरह से बर्फ़ डाल के ही ठंडे पानी का इस्तेमाल करना है। बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अक्सर नॉर्मल तौर पे जब भी हम लोग नॉर्मल पानी से आटे को सानते हैं गर्मी के टाइम पे, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, लेकिन गर्मी में आप इस तरह से बर्फ़ वाली पानी से आटा सानेंगे तो जो आपका आटा है ना वो बिल्कुल भी गीला नहीं रहेगा। होता है ना कि हम लोग 15-20 मिनट के लिए आटे का डो लगा कर रखते भी हैं तो आटा बहुत जल्दी गीला हो जाता है, उसकी रोटियाँ बनाते हैं तो अच्छे से नहीं बनती हैं। लेकिन इस तरह बर्फ़ के पानी से जब आटा को आप सानेंगी, जब आप इसकी रोटियां बनाएंगी ना तो रोटियां बिल्कुल सफ़ेद बनेगी, लंबे समय तक सॉफ्ट रहेंगी और आटा भी आपका बिल्कुल भी गीला नहीं होगा। ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है। बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो आटा गर्म होता है और इसी से हम लोग नॉर्मल पानी से जब आटे का डो लगा लेते हैं तो आटा बहुत जल्दी ख़राब होने का भी डर रहता है। आपने देखा होगा थोड़ी देर भी आटा रखते हैं उसमें हल्का सा कालापन आ जाता है, लेकिन जब आप इस ट्रिक का यूज़ करके आटे का डो लगाएंगी तो आटा आपका लंबे समय तक चलेगा, करीबन 3 से 4 घंटे तक बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, आपको फ्रिज में रखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर क्या करना, आपने बर्फ़ डाल के इस तरह से आटे का डो लगा लिया, उसके बाद जब आप रोटी को बनाएंगी ना तो आप रोटियाँ देखिएगा कितनी सफ़ेद बनेंगी, रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट रहेंगी। आप रोटियों को जब सेक के रखेंगी ना तो वो एकदम मुलायम रहेंगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगेंगी। तो आप इस ट्रिक को ज़रूर अपना के देखिएगा, ये बहुत ही यूज़फुल आइडिया है। ज़्यादा से ज़्यादा रोटी आपके लंबे समय तक सॉफ्ट और मुलायम रहेगी, तो ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे चश्मों को लेकर के है। जो पुराने चश्मे होते हैं ना अक्सर सभी घर में बहुत ज़्यादा पड़े होते हैं या बच्चों को हम लोग इस तरह से लगाने के लिए लाते हैं, जब वो छोटे या पुराने हो जाते हैं तो उनका यूज़ हम लोग नहीं करते हैं, उठा करके फेंक देते हैं। लेकिन इनका भी यूज़ आप अपने घर और किचन में बहुत ही अच्छे से कर सकती हैं। तो यहाँ पर करीबन 3 से 4 मेरे पास चश्मे पड़े थे, मैं क्या करूँगी यहाँ पर ले लूँगी डबल टेप। अगर आपके पास फेविक्विक या फेविकॉल हो तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको पुराने चश्मे का ही यूज़ करना है, जो चश्मा बेकार हो जिसका कोई भी यूज़ ना हो आप फेंकने वाले हैं तो आप उसी चश्मे का यूज़ करिएगा। यहाँ पे मैंने ले लिया है डबल टेप। डबल टेप को मैंने इस तरह से दोनों साइड में लगा दिया है। अब इसको ऊपर वाले कागज़ को हटा देना है। इसके बाद आपको और भी एक थोड़ा सा टेप लगाना है ताकि बहुत ही अच्छे से ये मजबूत रहे। इसका यूज़ हम लोग अपने घर किचन में कैसे करेंगे, जिससे हम लोग की और भी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो जाएंगी जो इधर उधर पड़ी रहती हैं। अब आप इसको चाहे ड्रेसिंग टेबल की जो साइड का एरिया होता है आप वहाँ पर लगा लीजिए, या फिर किचन में कहीं भी साइड में लगा दीजिए, फ्रिज के साइड लगा दीजिए, बिल्कुल दिखाई ना पड़े, वहाँ पर आप अपनी ज़रूरी चीज़ों को हैंग कर सकती हैं। जैसे हम लोग आटा सानते हैं, अगर रिंग वगैरह पहनते हैं तो आप रिंग को इसमें पहना सकती हैं, की रिंग वगैरह इसमें टांग सकती हैं। ड्रेसिंग टेबल के साइड में टांगेंगी तो हैंगर है, क्लचर है, या गले में चैन वगैरह हम लोग कहीं जाते हैं तो पहन लेते हैं फिर उतार करके रख देते हैं, रबड़ बैंड, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप इसमें हैंग कर सकती हैं। आपको कोई भी अलग से होल्डर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है और बहुत ही अच्छे से अटैच भी रहता है। बहुत ही यूज़फुल आइडिया है, सिंपल सा तरीका है। पुराने चश्मे का यूज़ आप इस तरह से भी कर सकती हैं, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आप हैंग कर सकती हैं। यहाँ पर बहुत ही यूज़फुल आइडिया, एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगली यूज़फुल टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से सिंपल प्लेन जो कांच की चूड़ियाँ होती हैं ना, बहुत सी लेडीज़ अभी भी इनको पहनना पसंद करती हैं। हम लोग जब मार्केट जाते हैं तो पक्की चूड़ियाँ लेकर के आते हैं ताकि वो लंबे समय तक चलें और बिल्कुल भी ना टूटें, लेकिन हम लोग जब मार्केट से जो चूड़ियाँ लाते हैं काफ़ी पैसा भी खर्च करके लाते हैं ताकि वो जल्दी ना टूटे, कच्ची ना निकले, तो लेकिन घर में कुछ समय बाद पहनने बाद ही चूड़ियाँ टूट जाती हैं। तो बहुत ही यूज़फुल ट्रिक बताऊँगी जिससे आप चूड़ियों को बहुत ही अच्छे से मजबूत कर सकती हैं। यहाँ पर क्या करना है, आपको गैस की फ्लेम को ऑन करना है, थोड़ा पहले तेज रखिएगा ताकि तवा गर्म हो जाए, उसके बाद आपको गैस की फ्लेम को धीमी कर देनी है और चूड़ियाँ तवे के ऊपर डाल देनी है। तवा जैसे ही थोड़ा सा गर्म होता है बिल्कुल धीमी आँच आप कर दीजिए और करीबन 2 या 3 मिनट के बाद आपको गैस की फ्लेम को बंद कर देना है।
तो यहाँ पे अभी तवा बहुत ज़्यादा गर्म है, चूड़ियों को आपको निकालना नहीं है, बस इस तरह से तवे पे पड़ी रहने देना है। करीबन 5-10 मिनट हो जाए जब, तो आपको इस तरह से तवा गर्म रहता है तभी चूड़ियों को आपको एक एक करके पलट देना है, ताकि चूड़ियों में दोनों साइड से अच्छे से हीट लग जाए। जहाँ पे चूड़ियाँ बनती हैं आपने देखा होगा, चूड़ियों को अच्छे से आँच दिखाई जाती है, ताकि चूड़ियाँ बहुत ही मजबूत रहें, वो जल्दी भी पहनने के बाद ना टूटें। लेकिन जो हम लोग चूड़ियाँ मार्केट से ले करके आते हैं, आपने देखा होगा कुछ समय तो पहनते हैं लेकिन फिर भी थोड़ी देर बाद वो टूट जाती हैं कुछ ही दिनों में, जिससे हम लोग का फालतू पैसा भी खर्च होता है। लेकिन इस तरह से जब आप इस ट्रिक का यूज़ करेंगी, तो आप जब चूड़ियाँ उठाएंगी ना, तो चूड़ियाँ देखेगा कितने अच्छे से मजबूत हो गई हैं। तो यहाँ पे मैंने कपड़े के हेल्प से उठाया है, अभी भी चूड़ियाँ गर्म है अभी। तो इस तरह से चूड़ियों में बराबर हीट लग जाने की वजह से चूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से पक्की हो गई है। अब हम इन चूड़ियों को जब पहनेंगे ना, जो चूड़ियाँ बहुत जल्दी टूट जाती थी, उनके टूटने की टेंशन पूरी तरह से ख़त्म हो गई। यहाँ पे चूड़ियाँ पूरी तरह से ठंडी हो गई। आप हल्के से तवे में जब हल्का सा इनको इस तरह से करेंगी ना, तो आप देखेंगे इनकी आवाज़ भी थोड़ी चेंज हो गई होगी, मतलब चूड़ियाँ बहुत ही अच्छे से पक्की हो गई। आप मार्केट से जब चूड़ियाँ लेकर के आएँ जो रोज़ पहनने वाली होती हैं, आप इस ट्रिक का यूज़ ज़रूर करिएगा, ताकि चूड़ियाँ आपकी लंबे समय तक चले। ऐसा ना हो कि जरा सा भी ठोकर लगने पे चूड़ियाँ जो टूट जाती थी ना, बिल्कुल नहीं टूटेंगी। ट्राई ज़रूर करिएगा। अगली टिप मेरी यहाँ पे इस तरह से नेल पेंट को लेकर के है। नेल पेंट तो हम लोग लाते हैं रोज़, तो उसको हम लोग नहीं लगाते हैं, कुछ दिन के लिए रख देते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा पड़ रही है कि जो नेल पेंट होती है थोड़ी सी गाढ़ी हो जाती है, मतलब जो पतली होती थी अच्छे से लगा लेते थे, लेकिन इस तरह की जो गाढ़ी नेल पेंट होती है ना, अच्छे से लग नहीं पाती है। यहाँ पे देखिए मैं लगा के दिखा रही हूँ कितनी ज़्यादा गाढ़ी है। इस नेल पेंट को कैसे हम लोग थोड़ा सा और पतली करें, इसके लिए सिंपल सा आइडिया, आपको कहीं भी जाना नहीं है। अगर इस नेल पेंट को हम लोग ऐसे ही रखे रहने देंगे, थोड़ा सा लिक्विड और नहीं करेंगे, तो ये ख़राब हो जाएगी और वेस्ट भी चली जाएगी। यहाँ पे आपको ले लेना है नेल रिमूवर, आपके पास तो रहता ही होगा, आप उसका यूज़ करिएगा। बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा नेल रिमूवर डाल देना है, करीबन 3 से 4 बूंद। तो आप चाहे इस तरह से डाल लें या फिर किसी चम्मच में ले लीजिए, बिल्कुल थोड़ी सी, करीबन 5-6 बूंद ले लीजिए, और आपको इस तरह से जो भी नेल आपकी थोड़ी सी नेल पेंट गाढ़ी हो गई है, आप उसमें डाल दीजिए। आप देखिएगा जो नेल पेंट गाढ़ी है, अच्छे से नहीं लग रही थी, वो बहुत ही अच्छे से वर्क करेगी और बहुत ही अच्छे से लगेगी। जैसे ही आप यहाँ पे नेल रिमूवर डालेंगी, अच्छे से आपको इसको हिला लेना है, ताकि जितना भी नेल रिमूवर है इस नेल पेंट में अच्छे से मिक्स हो जाए। मिक्स होने के बाद जब आप नेल पेंट को हाथों पे लगाएंगी ना, तो नेल पेंट जो पहले गाढ़ी थी वो बिल्कुल भी गाढ़ी नहीं रह जाएगी, बहुत ही अच्छे से आप इसको हाथ पे लगा सकती हैं। अब बिल्कुल भी आपको नेल पेंट वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। होता है ना कि जैसे ही नेल पेंट सूखती है हम लोग उसको उठा करके फेंक देते हैं, लेकिन आप उसको पहले पूरी तरह से सूखने से पहले ही इसमें थोड़ा सा नेल रिमूवर डालेंगी, तो आप बहुत ही अच्छे से इसको लगा भी सकेंगी, पैसों की बचत भी हम लोग की हो जाएगी। यूज़फुल आइडिया, आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। आप मेरा वीडियो किस गांव या शहर से देख रहे हैं, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं जान सकूं कि मेरा वीडियो कहां कहां जा रहा है। थोड़े थोड़े से छोटे आइडियाज़ था, जिनका यूज़ करके आप अपने मुश्किल कामों को बहुत ही आसान तरीके से कर पाएंगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो का एंड भी करती हूँ। मेरी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी, थोड़ी भी पसंद आ रही है तो प्लीज़ उसे लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप मेरा वीडियो पहली बार देख रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके, बाय।